इशू होने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली जो आ रहे थे सबसे पहले सुबह वो अब हो गए हैं लेट। शब्द नहीं है बोलने के लिए, अभी मैं लिटरली थक गया हूँ भाई। सुबह 8 बजे से व्लॉग कर रहे हैं। आज घर का बब्बन मैं हूँ, जा रहे हैं रिश्तेदारों को लेने के लिए, क्योंकि जैसे अगर थंबनेल और टाइटल पढ़ जाए तो समझ में आ ही गया होगा हो क्या रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ बैक टू बैक 2 डेज व्लॉग, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई मुंबई में एंगेजमेंट हो रही होगी मेरी बहन की, एंड इसमें क्या क्या चीजें में मुझे भागना पड़ रहा है। इस चक्कर में रात को 3 बजे मुझे कोई बंदा मैसेज करके बोलता है, सर पुष्कर आ रहे हो क्या, जल्दी निकलते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास जाना है, वो लोग लैंड कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये व्लॉग बन रहा है ऑलरेडी, दूसरे व्लॉग की एडिटिंग चल रही है, एक का रिव्यू चल रहा है और एक इम्पोर्टेंट काम पर डिस्कशन भी। आज फुल बब्बन वाली वाइब आ रही है। थोड़ा तो इशू होने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली जो आ रहे थे सबसे पहले सुबह वो अब हो गए हैं लेट, उनको 1.5-2 घंटा लगने वाला है पहुंचने के लिए। अब अगर हमें इधर पार्किंग में फंसे हुए तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं होटल में, जहाँ पे सारे गेस्ट रुकने वाले हैं और गेस्ट में जो कोई पहुंचा नहीं है, ठीक है, कजन्स को फ़ोन करके रखा हुआ है पर अभी भी कोई आया नहीं है, बिकॉज अपेरेंटली मुंबई का ट्रैफिक कमाल का है। ये होटल है, ठीक है, ये मेन होटल जहाँ पे सब लोग रुक रहे हैं। ये होटल में हम लोग की बहुत पुरानी और अच्छी अच्छी यादें भी हैं, जो मामा जी समझ जाएंगे अगर मामा जी ये व्लॉग देख रहे हैं। ए मामा जी, इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, कमेंट बिलो, गलत मत हो तो साचो, ये सामने चाची का घर, मामी का घर है। इसलिए ये पार्ला सनम हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है, बिकॉज मेरी स्कूलिंग भी यहाँ पे हुई थी, प्राची की भी स्कूलिंग यहाँ पे हुई थी जो अपनी ब्राइड जिला है, होम का ऑफिस भी यहीं पास में है एयरपोर्ट में, एंड ऑब्वियसली अब तो बिजनेस भी हम लोग का पार्ला में है। मेरा एक बहुत पुराना एक सेटअप हुआ करता था, एडिटिंग रूम जो भी पार्ला में हुआ करता था। पार्ला इज़ बीन वेरी क्लोज टू अस फ्रॉम डे वन, एंड सच कहूँ पहली बार जब मैं BST बस पर भी चढ़ा था ना, वो इधर ही रामाकृष्णा होटल से था, ठीक है, आई थिंक मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, ऐसे जोश आया था, मैं BST बस में चढ़ गया और चढ़ के अंदर ही पहुंच गया था मैं। तो पार्ला हैज़ अ वेरी क्लोज कनेक्शन इन माई हार्ट। चलो अंदर जाते, अंदर बैठ के देखते हैं। तो मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन अभी बिजी आ रहा है। एक तो क्या होता है जब कोई नॉर्थ से आता है ना मुंबई, कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक होगा। पड़ोस की बिल्डिंग में जाने के लिए जब आधा घंटा लगता है ना, तब तुम मुंबई वाले हो। वापस ट्राई करके देखते हैं कहाँ पहुँचे। हेलो ऋषि भैया हैं, मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, कॉल पे आप लोग कहाँ पहुँचे पहुँचे भाभी, अभी कहाँ पे पहुँचे आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं इधर ही आप लोग के लिए होटल में वेट कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पहुँच गया, मुझे पता ही नहीं था आप लोग कहाँ पहुँचे, वरना मैं सीधा वहीं आ जाता लेने। अबाउट टू रीना, चलो ठीक है, परफेक्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट ओनली, सॉरी एट द होटल ओनली, रिसेप्शन में मिलता हूँ। चलो भाई, 1% तो आ रहा है। चलो देखो अभी टाइम बाकी है, लोग आए नहीं है, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर टाइम पास करके फिर निकलेंगे, बिकॉज गेस्ट को आने के लिए मोर देन 1/2 आवर बाकी है। भाई सूचना तो ये है कि जो भैया आ रहे थे वो तो लेट हैं ऑब्वियसली, पर जो दिल्ली से दूसरे लोग आ रहे हैं उनकी फ़्लाइट लैंड हो गई, वो भी जल्दी, अपेरेंटली 1:30 बजे लैंड होने वाला था, 1 बजे लैंड हो गया, ये सूचना भी ब्राइट जिला ने दिया। चॉकलेट खा के तू हेलो बोलेगा? हाँ चॉकलेट तो खाएगा, बहुत सता नहीं है। हम लोग भाग के तो ऊपर पहुंच सकते थे, बट देन हमने कहा नॉट आर कप ऑफ टी, बाकी तो बहुत ज्यादा ज़ूम इन हो गया। 18mm 16mm चाहिए चाहिए। गाइस कीप वाचिंग दिस वीडियो, लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट सो दैट वी कैन बाय अ न्यू 16mm। थैंक यू। अच्छे ब्लॉग अगर चाहिए हम दोनों से साथ, ठीक है, सो प्लीज कीप डूइंग। यस, वेलकम टू मुंबई।
सर्दियों में तो हम पहली बार ऐसे घूम रहे हैं। यहाँ कोई सर्दी नहीं होती, ये अभी तो 12 मंथ सेम पीक मॉडरेट रहता है। यहाँ पे सिर्फ मई छोड़ के सारे सीजन सेम है, सेम सारे के सारे सीजन सेम है, मतलब कोई फर्क ही नहीं है। और हाँ, बारिश हमारे यहाँ ठंड में भी बारिश होती है, हमारे यहाँ गर्मी में भी बारिश होती है। ठंड में बारिश जब होती है जब ऊपर स्नो पड़ रही होती है, गजब बेइज्जती है। तो आपने देखे नहीं अभी जुलाई की बारिश, अगर जुलाई की बारिश जो झेल गए यहाँ का ना, फिर वो मुंबई का रोता दिल से, ठीक है। अच्छा मैं एयरपोर्ट निकलता हूँ, एयरपोर्ट निकलता हूँ। तो बेसिक आइडिया ये है, ऋषि भाई को हमने ऊपर रख दिया रूम में, अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट बिकॉज सेकेंड पार्टी हो गई है लैंड। तो बब्बन चल गाड़ी निकाल, हम एयरपोर्ट भाग रहे हैं जैसे पहले बताया था, क्योंकि वहाँ पब्लिक पहुँच गई और मुंबई की महान ट्रैफिक आप लोग देख ही सकते हो। वेलकम टू मुंबई। अल्लाह वक्त थम सा गया है ना। अरे गरम लग रहा है वो भी तगड़ा, बैठे बैठे पसीना छूट रहे हैं, बैठे बैठे पसीना छूट रहा है डूड। नवंबर में ये हाल होता है यहाँ पर। सो पीपल हु आर प्लानिंग टू मूव टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स यू पीपल आर हैविंग मैन, आई लिटरली नो आईडिया। हेलो, रुक जाओ बस मैं पहुँच गया, जैसे मैं पहुँचता हूँ ना कॉल करता तब आप लोग बाहर आना। हाँ ठीक है, आप उधर ही रहो, उधर ही रहो। तो अपेरेंटली लोग गलत चले गए, वो लोग चले गए सीधा। फाइनली एक तो हो गया, अच्छा दोनों कार्स निकल गए, एक तीसरे को लेने जाना है। तीसरे कौन है? भाभी जी आ रही है। भाभी जी आ रही है, भाभी जी को ले जाना। ये हमारे भैया है। हेलो हेलो, ये तो पहली बार आ रहे हैं ब्लॉग में, थोड़े से शर्मा रहे, पर टेंशन की बात नहीं है। अपेरेंटली सॉरी, मुंबई का वेदर लगा कैसे? एक्चुअल में जब आउट जाएंगे तब पता एहसास होगा, रिएक्शन अगर मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि जो ऋषि भैया आए थे सुबह, उन्होंने एक प्रॉपर ये किया है, वो स्वेटर वेटर पहन के आए थे। नहीं वहाँ का वेदर अगर मैं बात करूँ राइट नाउ टेम्परेचर वो आए दरअसल कूल है। हाँ, और वहाँ पे ठंडी होती भी है, काफ़ी कूल है, और यहाँ पे उतनी ठंडी होती नहीं है। इवन दिल्ली में राइट नाउ फैन ऑफ है। दिल्ली फैन ऑफ है, अब भी जस्ट लाइव हुआ, जाके चेक कर न्यू हाउस टूर का, वो उठा और उसको सारे ग्रुप्स में पोस्ट कर दे। एक बार उनको कंफर्म पूछना, क्या आप ईस्ट में खड़े कि वेस्ट में, किसी को पूछो। ईस्ट में खड़े हैं। अरे एक्चुअली गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है, मैं तो बैठ गई बहुत गर्मी लग रही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये तो मैंने खोल दिया था पहले भी। शब्द नहीं है बोलने के लिए। कंट्रोल। तो भाई साहब वापस आ चुके सोसाइटी में, रिश्तेदार ऊपर पहुंच गए। ऑफिशियल टाइमिंग से हमने बहुत पीछे चल रहे, बिकॉज हमने डिसाइड किया था 4 बजे सब लोग निकल जाएंगे। अभी एक पार्टी 4 बजे पहुंची है जो खाना खाएगी, समझ रहे हो? ये क्या था पता नहीं, कोई तो था अजीब सा था। तो अपेरेंटली हमारा कोई भी चीज टाइम पे हो नहीं रहा है, एंड दो गाड़ी आ चुकी है जिससे गेस्ट जाने वाले हैं। दो गाड़ी आई है ना, एक और दो, ये दोनों गाड़ी आई हुई है। हम लोग ऊपर चलते, थोड़ा खाना खाते, पैकअप करते, फ्रेश होने निकलते हैं। एक्चुअली हम लोग शायद से रुक जाएंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। ये हम हैं
ये रुको, ये वो, ये हम है, ये दुल्हन है और ये स्वीकारने हो रही है। अच्छा कल जो जो जा रहा है सिद्धि विनायक घूमने, सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का इतना है 5 बजे प्राइम टाइम होता है, तो भाई 5 से 6 में ना पूरे टाइम मत बैठना, दर्शन आप लोग 5 बजे पहुंचोगे ना, मैक्सिमम 5:20 तक अंदर रहोगे, ठीक है 10:50 में से निकलना क्योंकि वो मेन पॉइंट हो रहा है, अभी हाफ आवर में पहुंचने लगेगा। किधर? आज नहीं, कल की बात। कल है स्लॉट ही नहीं है, कल का स्लॉट मिला है? नहीं आज का स्लॉट है, कल का कोई स्लॉट ही नहीं है। तो कह रहा हूं अभी दौड़ना है, ये तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया, ये तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया, खड़े खड़े तो रसोई में हो गया। सोच रहा हूँ कल 31st की बात कर रही है, स्लॉट नहीं है डूड, तो अभी निकलना चाहिए आप लोगों को। एवरीबॉडी इज गेटिंग रेडी, दे आर रेडी, सिर्फ गाड़ी में बैठना है। इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स इफ देयर इज नो ट्रैफिक वी आर देयर, इवन इफ वी डोंट गेट मच टाइम यार एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो मिल जाएगा ना, इवन इफ यू रीच बाय 5:20 मिनट लगता है, मैनेज इट आउट बाबा, वो लोगों को भी पता है टाइम ऊपर नीचे होने वाला है, दिस इज इंडिया, यू कांट बी सो पंचुअल। नहीं नहीं वो स्लॉट अच्छे की बने रहता है, तो बेटर है मूव करें। कौन सी पार्टी बाकी थी? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वन पार्टी निकल जाओ, चाची छोड़ के जा रहे हो, छोड़ सकती हूँ, तू जा रहे हो, तू छोड़ देना मेरे को, बहुत ढूंढने जा रहे हो, बहुत ढूंढने गाड़ी करते हैं, अमित जी को उधर प्राची देख ना, सौरभ अमित जी को उधर ले ले, इट इज माय तो भाई आज का वीडियो आप, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सबको बहुत मज़ा आया होगा ना, अच्छा लगा होगा, एंड अगर तुमको जैसे ही देखते हुए मज़ा आ रहा है तो भाई तुमको पता तो मैं क्या करना है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ब्लॉग को हम यहीं पे फिनिश करने वाले हैं बिकॉज ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसके बाद भी एक्चुअली कुछ चीज़ें होने वाली हैं पर हमें गारंटी नहीं है कि हम ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अभी मैं लिटरली थक गया हूँ भाई। सुबह 8 बजे से ब्लॉग कर रहे हैं, सोच रहे हो सुबह 8 बजे से शूट कर रहे हैं हम लोग, क्या हाल हुआ रहेगा मेरा, वो कैमरा के पीछे लोग खड़े, भागा दौड़ी चल रही है, भागा दौड़ी चल रही है, आधा मुंबई घूम चुके हैं ऑलमोस्ट, हमने किलोमीटर वाइज 120 कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट रिटर्न, बाद में बांद्रा टर्मिनस, सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी ब्लॉग में देख चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा रहेगा, एंड अगर ऐसे ही आपको देखता रहना तो आपको ये 3 चीज़ें करती रहनी है। कल का ब्लॉग अलग से आने वाला है, उसको भी आप लोग देखना, ये कौन है पता नहीं, तो लगता है गाड़ियों पर गाड़ियाँ आती रहेंगी, हमें ब्लॉग एंड करने मिलेगा नहीं, तो Still, you will see if you like the video, do like, share and subscribe. कल का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, कल एक अच्छी जगह जाने वाले, मज़ा आने वाला है, हम काफ़ी कुछ दिखाएंगे एंड आपके साथ शेयर करेंगे, एंड ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक ब्लॉग आने वाला है पुष्कर ब्लॉग, उसके बाद हम कुछ गिव अवे विनर्स अनाउंस करने वाले हैं जिसमें आप लोग कैश प्राइज भी जीत सकते हैं, तो अगर वो चीज़ आप लोग को जितनी है तो वीडियो देखते रहो, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आप लोग ऐसे कुछ और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जुड़ा हूँ। Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso, add it up, I'm just doing me.